तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग को यहाँ पे मेन मेडस का बियर्ड ग्रोथ किट जो आता है वो कितना दिन तक यूज़ करने से हमें बियर्ड ग्रोथ देखने को मिलता है या फिर कितना दिन तक यूज़ करना चाहिए जो हमारा बियर्ड परमानेंट हो जाए यानी कि बियर्ड दोबारा जाए ना, उसके लिए पूरे वीडियो की जानकारी मैं इस वीडियो में लाया हूँ। तो वीडियो में आप लोग को लास्ट तक बने रहना है। सबसे पहले आप लोग को जानकारी यहाँ पे देना चाहूँगा कि जहाँ भी हो आप लोग दोस्तों, आपको अगर मेन मेडस का बियर्ड ग्रोथ किट यूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी कंपनी का हो ग्रोथ किट्स यूज़ कर रहे हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपको बता दूं, दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, मैं आप लोग को वहाँ पे सुझा दूंगा और रिप्लाई सभी बंदों को देता हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अगर आप लोग को कई मतलब एक दो दिन तक रिप्लाई नहीं मिले तो बुरा नहीं मानना दोस्तों, क्योंकि आपको पता है मैं तो हमेशा रिप्लाई देता हूँ, लेकिन एक दो या फिर तीन दिन तक किसी का काम रहता है तो मैं भी मतलब सोशल मीडिया में आप लोग यूट्यूब में देख रहे होगे, अभी मेरे कुछ दिनों से मैं यूट्यूब में भी वीडियो नहीं ला रहा हूँ डेली, क्योंकि दोस्तों कुछ काम में ऐसा रहता है दोस्तों कि वीडियो नहीं बन पाता डेली। ठीक तो आप लोग से उम्मीद किया हूँ कि दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना है और पूरा समझने की कोशिश करना। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कोई भी कंपनी का बियर्ड ग्रोथ किट यूज़ कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर डेडिकेट कर रहा हूँ कि मेन बड़स का बियर्ड ग्रोथ किट काफ़ी अच्छा है अगर आप 18 प्लस हो या फिर मतलब 18-19 मतलब ऐसे मतलब 20 तक अगर आपका एज है तो मेन बड़स का ही सही है, इसका बियर्ड ग्रोथ किट यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। और ये जो है आपको 3 से 4 मंथ में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है, शुरू होता है दोस्तों लगभग आप 1 महीने तक लगा लेते हैं यानी कि 45 डेज से आपको रिजल्ट शो अप हो जाता है देखने के लिए और काफ़ी अच्छा आपको मतलब विजिबल आपको बियर्ड देखने को मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा बेबी हेयर आते हैं। तो ये बियर्ड ग्रोथ किट में डर्मा रोलर और मिनोक्सिडिल और यहाँ पे बियर्ड गमिज रहता है, ये तीनों आपको मिल जाएगा देखने के लिए और इसे आप 3 से 4 महीने या फिर 6 महीने के भी आप जा सकते हो और 6 महीने आप लगाने के बाद अच्छा रिजल्ट मिलेगा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। मैंने इसको देखा हूँ, खुद यूज़ किया हूँ, तो मैं देखो मैंने मेडस का बियर्ड ग्रोथ किट तो यूज़ नहीं किया हूँ क्योंकि उस टाइम पे ग्रोथ किट नहीं था, लेकिन मैं इतना मैं बोलूँगा कि मैं 2 चीज़ यूज़ किया था, डर्मा रोलर और मिनोक्सिडिल, और बहुत बाद में मैंने बियर्ड गमिज यूज़ किया था, मतलब मान सकते हो बियर्ड ग्रोथ किट तो हो ही गया लेकिन मतलब बहुत छोड़ छोड़ के मैंने लगाया था और बाद में मुझे विंटॉप की तरफ जाना पड़ा क्योंकि फिर धीरे धीरे मेन मेडस का बहुत स्लो रिजल्ट आ रहा था। और ये होता है कि मेन मेडस में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है तो विंटॉप में थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट है, मतलब पिंपल्स वगैरह का है तो हार्ट बीट का, तो मैंने ये सब अवॉइड किया कि जो होता होने दो, लेकिन कुछ नहीं हुआ दोस्तों उसमें मैं सेव निकला, लेकिन काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे मिला और मैंने लगभग 6 महीना तक बियर्ड ग्रोथ की मतलब किट जो यूज़ किया था और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला था। और किसी को 3-4 महीने में मिल जाता है तो आपको अपने हिसाब से यूज़ करना है, डेली एक टाइम यूज़ करना है, काफ़ी अच्छा रहेगा। और डर्मा रोलर दिन में एक बार नहीं यूज़ करना दोस्तों, आपको 3 दिन में एक बार यूज़ करना है डर्मा रोलर, याद रखना बियर्ड गमिज और मिनोक्सिडिल डेली यूज़ करना है दोस्तों, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप उम्मीद करना, क्योंकि दोस्तों आपको सबसे बड़ा चीज़ है सबर और सबर करके ही चलना पड़ेगा तभी आपको बियर्ड ग्रोथ मिलेगा देखने के लिए। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी अच्छा वीडियो था ये क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने अपडेट देना चाहा कि कितने दिनों में हमारे बियर्ड आ जाते हैं, वो बियर्ड तो आता है गारंटी है दोस्तों।